जिले के प्रभारी व समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने शनिवार को भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्रियों ने एम्स में आने वाले मरीजों को दी जाने वाली सुविधाएं, ओपीडी, मेडिकल कॉलेज, छात्रावास के साथ चिकित्सकों की उपस्थिति की जानकारी हासिल की तथा एम्स में चल रहे निर्माण कार्यों का जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, सीडीओ अनुज सिंह, एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, एम्स के चिकित्सक डॉक्टर गौरव गुप्ता, डॉक्टर ए के विश्नोई, डॉक्टर मेजर परवीर उपाध्याय, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित अन्य चिकित्सक और बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल और प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा, तो चूंकि मरीजों को बिल्कुल ये ना हो कि भाई पूरा बन जाएगा तभी हम लोग एंटरटेन, इसलिए है कि कुछ शुरू कर दिया गया, बाकी सब धीरे ऐड करते जा रहे हैं फैसिलिटी। तो भाई पानी पानी का वो हमने अपना वाटर कूलर लगा रखा है, वाटर कूलर हाथ में वाटर कूलर टॉयलेट की व्यवस्था है। शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी चालू किए थे, यहाँ से ओपीडी अभी चल रहा है, 10 ओपीडी चल रही है 8 बजे से। ये देवरी रोड है पूरा, और ये कुशीनगर, ये कुशीनगर रोड है। मंत्री जी यहाँ के प्रभारी मंत्री के नाते भी आए, मैंने डीएम साहब से भी आग्रह किया था मंत्री जी के आने के पूर्व, और तब तक ये पता लगा कि ये भी आएंगे तो हमने कहा कि उनको भी ले लिया जाए। तो मान लीजिए कोई कमी रहती है तो स्टेट गवर्नमेंट से ये प्रयत्न करके सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं कर लूँगा, उस आधार पर जो है यहाँ पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी कार्य यहाँ चल रहा है वह विद इन टाइम चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात तो ये है, मतलब ये नहीं है कि किसी के लिए समय अधिक लग रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा आते भी रहते हैं, जानकारी भी किया करते हैं जो है, तो परिणाम उसका अच्छा है। अभी जो यहाँ ये बताया आपने कि 50 स्टूडेंट्स जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो हैं, उनके लिए हॉस्टल भी प्रोवाइड कर दिया गया है, मील भी प्रोवाइड कर दिया गया है, तो किसी प्रकार की असुविधा नहीं। केवल एक बात जो हम लोगों को भी खटक रही थी, जिसके संदर्भ में मैंने डीएम से भी बात किया था, कि जो बाहर के मरीज आते हैं कभी कभी काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है सड़क पर भी, धूप इत्यादि है, वो एक खटकता था। तो आज जो आपने बताया कि एक धर्मशाला बन रहा है, तो मुझे लगता है कुछ उसको उसके द्वारा उसकी पूर्ति हो पाएगी। फिर भी आप लोगों से भी मैं ये कह रहा हूँ, डीएम साहब से भी कह रहा हूँ, अगर उस प्रकार की कोई आवश्यकता हो हम लोगों के निधि की तो वो भी हम उसके लिए प्रोवाइड करेंगे, ताकि इस एम्स के लिए उसकी सुविधा। इससे पहले अभी 2.5 करोड़ रुपया गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए दिया, यहाँ भी उस प्रकार के अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को करते तो उसके लिए तो डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे, लेकिन जो हम लोगों से तुरंत पत्र जाना चाहिए। निरीक्षण नहीं कर रहा था तो देखने आया था,
कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गोरखपुर की जनता ही नहीं, ऐसे पूर्वांचल के तमाम जनता के लिए जो सुविधा उपलब्ध कराई है उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ, और जो इस काम में लगे हैं मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और जल्दी से जल्दी ये सुविधाएं आम जनता को मिलने लगे, वैसे मिल रही है, ओपीडी चल रही है, उसमें जनता को थोड़ा एक समयबद्ध तरीके से उनके मदद हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी से जो इसके लिए दिल्ली और बम्बई जाना पड़ता था अब वो यहीं गोरखपुर में हो जाएंगे, सारे लोगों को सुविधा मिलेगी। ये इस एम्स के बारे में चिंता करने वाले लोगों को लाने वाले उन लोगों के भी तरफ से मैं अपनी तरफ से यहाँ की जनता की तरफ साधुवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ।